हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास सिक्स सोशल साइंस के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर करंट सेशन 2024-25 का है। अगर अभी तक आपका सोशल साइंस का पेपर नहीं हुआ है तो इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही साथ करंट सेशन के हाफ ईयरली साइंस का, मैथ्स का और हिंदी का पेपर भी चैनल पर अपलोडेड है। अगर अभी तक आपके ये पेपर नहीं हुए हैं तो इन पेपर्स को अवश्य देखिए। इन सभी पेपर के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट KVS हाफ ईयरली पेपर से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ मैप? मैप का मेन पर्पज़ क्या है? आंसर है, टू रिप्रेजेंट एन एरिया, अर्थ पर किसी एरिया को रिप्रेजेंट करना। सेकेंड क्वेश्चन है, स्केल ऑन अ मैप हेल्प टू? आंसर है, रिप्रेजेंट डिस्टेंस। जब हम अर्थ पर किसी एरिया को फाइंड करते हैं तो उसके डिस्टेंस को मैप पर बनी स्केल के द्वारा पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच मैप फीचर वुड यू रियलाइज ऑन टू फाइंड द नियरेस्ट रिवर वाइल हाइकिंग? आंसर है, स्केल। जब आप पैदल चल रहे हों और आसपास में जो रिवर है उसका पता लगाना है तो उसके लिए आप मैप पर बने हुए स्केल के द्वारा उसका पता लगा सकते हैं। बस डिफरेंस इतना होगा कि मैप पर 1 किलोमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा या कोई छोटी यूनिट लिखी हुई होगी। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT? IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। इन दोनों टाइम के बीच डिफरेंस होता है 5 आवर्स और 30 मिनट्स का। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ओशियंस इज़ द लार्जेस्ट? सबसे बड़ा ओशियंस कौन सा है? ये है पैसिफिक ओशियंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट टर्म इज़ यूज्ड फॉर लार्ज बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर? जब लैंड की कोई बड़ा एरिया पानी से घिरा हुआ होता है चारों ओर से तो उसे बोलते हैं आईलैंड। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच टाइप ऑफ फैमिली इंक्लूड्स सेवरल जनरेशन लिविंग टुगेदर? जब कई जनरेशन एक साथ एक फैमिली में रहती हैं तो इस तरह की फैमिली को बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। क्वेश्चन नंबर एट है, विच कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड टुडे? आजकल पूरे वर्ल्ड में कौन सा कैलेंडर कॉमनली यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है? ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर नाइन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर इज नोन एज? आंसर है, एंथ्रोपोलॉजी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स? इसे बोलते हैं मिलेनियम। क्वेश्चन नंबर टू है, मैच द फॉलोइंग। पहला है प्राइम मेरिडियम, इसे मैच करेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। दूसरा है पॉलिटिकल मैप, इसे मैच करेंगे शो बाउंड्रीज एंड सिटीज से। तीसरा है एटलस, इसे मैच करेंगे बुक कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। अगला है पैसिफिक ओशियन, इसे मैच करेंगे द लार्जेस्ट ओशियन से। और लास्ट है जियोलॉजिस्ट, इसे मैच करेंगे स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द प्राइम मेरिडियम पासेस थ्रू न्यूयॉर्क। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि प्राइम मेरिडियम ग्रीनविच से होकर के गुजरती है जो कि लंदन इंग्लैंड में है। सेकेंड स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ लैंड। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि अर्थ का ज़्यादातर सर्फेस पानी से ढका हुआ है। स्टेटमेंट थ्री है, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स। ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि अर्ली ह्यूमंस केव्स में, गुफाओं में रहते थे। क्वेश्चन नंबर फोर है, अ जॉइंट फैमिली इंक्लूडेड ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, अंकल और आंट रहते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है, एन एरा इज़ अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एक एरा में मिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक वाक्य में अर्थात एक सेंटेंस में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली क्या है? ऐसी फैमिली जिसमें केवल मदर, फादर और बच्चे रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब कज़न इन इंडियन लैंग्वेज? किसी भी इंडियन लैंग्वेज में कज़न को किस टर्म से डिस्क्राइब किया गया है?
इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके पास हैं तो उन्हें लर्न करिएगा। यहाँ पर आंसर मैंने आपके आइडिया के लिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज बी सी ई स्टैंड फॉर? बी सी का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज टाइमलाइन? टाइमलाइन क्या है? अ टाइमलाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अलोंग अ ड्रॉन लाइन दैट हेल्प्स अ व्यूअर्स अंडरस्टैंड टाइम रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज आई एस टी स्टैंड फॉर? आई एस टी स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर इसे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम फॉर अ एंशियंट रॉक शेल्टर? रॉक शेल्टर का नाम है द भीबेकर रॉक शेल्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कॉल्ड? 10 ईयर्स के पीरियड को डिकेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ वर्ल्ड ओशियन डे? वर्ल्ड ओशियन डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ सुनामी? सुनामी आने का मेन कारण क्या है? आंसर है अर्थक्वेक्स ऑन टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज आर द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ सुनामीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ओशियंस लाइज द साउथ ऑफ इंडिया? इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियंस ही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर? सबसे ज़्यादा वाटर है सदर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एनी 5। यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन द मैप? मैप में हम कलर्स और सिंबल्स का यूज़ क्यों करते हैं? आंसर है, सिंबल्स एंड कलर्स आर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स एंड आर नीडेड इन मैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एक्चुअल शेप्स एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स से लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, टेम्पल्स, रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, सो वी यूज वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू शो दीज फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज अ फिजिकल मैप शो? फिजिकल मैप क्या शो करता है? आंसर है, द नेचुरल लैंडस्केप फीचर्स ऑफ द अर्थ कैन बी शोन थ्रू द फिजिकल मैप्स। माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स, आइसलैंड्स, डिजर्ट, सीज एंड ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स आर शोन इन द फिजिकल मैप्स। द मैप्स विच आर बेस्ट नोन फॉर शोइंग टोपोग्राफी आइदर बाई कलर्स आर एज शेडेड रिलीफ आर द फिजिकल मैप्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द इंडियन नेवीज मोटो? इंडिया की नेवी का मोटो क्या है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आंसर है, द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी इज शम नु वर्ना विच ट्रांसलेट टू मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी अ स्पेशियस अन टू अस। द मोटो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द तैतरिया उपनिषद एंड इज एन इनोवेशन टू द हिंदू गॉड ऑफ द ओशियंस वरुणा। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली? ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अंतर है? अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली दैट इंक्लूड्स टू मैरिड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, एवरी वन लिविंग अंडर वन रूफ। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ न्यूक्लियर फैमिली। अ ज्वाइंट फैमिली इज अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस जनरेशंस, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। देयर कैन बी कजन, अंकल एंड आंट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रॉ अ सिंपल फैमिली ट्री ऑफ योर फैमिली विथ नेम एंड रिलेशन। आपको अपनी फैमिली के लिए एक फैमिली ट्री बनानी है जिसमें आपको नेम और रिलेशन शो करना है। इस तरह के क्वेश्चन को आपने पहले भी किया होगा, इसे आप स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज कम्युनिटी? समुदाय क्या है? आंसर हो जाएगा, अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम एरिया। पीपल इन कम्युनिटीज माइट गो टू द सेम स्कूल्स, शॉप, इन द सेम स्टोर्स एंड डू द सेम थिंग्स। दे आल्सो हेल्प ईच अदर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द सम कॉमन रूल्स यू फॉलो इन योर फैमिली? आप अपनी फैमिली में कौन सी कॉमन रूल्स को फॉलो करते हैं उन्हें लिखना है। आपकी फैमिली में जो भी कॉमन रूल्स हैं आप उन्हें लिखेगा या यहाँ से लिख सकते हैं। पहला, आई ट्रीट पीपल एंड प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट। सेकेंड, आई नॉक ऑन क्लोज डोर बिफोर एंटरिंग। तीसरा, आई क्लीन अप माई रूम माई सेल्फ। नेक्स्ट, आई स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट, आई हेल्प समवन व्हेन दे आर हर्ट। और लास्ट, आई अटेंड फैमिली मीटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19 है,
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव द आंसर बिलो। इस पैसेज को रीड करिए और यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, इसे आप रीड कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई मैपिंग द अर्थ इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पर देखिए, मैपिंग द अर्थ इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सर्फेस। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। आंसर है, द शेप ऑफ द अर्थ इज़ स्फेयर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्लोब एंड अर्थ। दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये है कि द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। क्वेश्चन नंबर फोर है, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द, यहाँ पर हो जाएगा पोल्स। यहाँ पर पैसेज हिंदी में दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा जिससे आपको मीनिंग अच्छी तरह से पैसेज की समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम। और यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेस हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को कैसे मेज़र करते हैं या नापते हैं, वेरियस सोर्सेस के द्वारा हमें हिस्ट्री को समझने में कैसे मदद मिलती है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम। आंसर है, इन हिस्ट्री वी मेज़र टाइम यूजिंग इरा सेंचुरीज एंड मिलेनियम्स। एन इरा इज अ डिस्टिंक्ट पीरियड मार्क्ड बाय एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, द कॉमन इरा बींग्स विद द बर्थ ऑफ जीसस सेंचुरीज आर पीरियड ऑफ 100 ईयर्स यूजिंग कैलेंडर्स एंड इरा मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट इवेंट्स। द ग्रिगोरियन कैलेंडर्स इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड बट अदर कैलेंडर्स लाइक हिंदू मुस्लिम्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज। और में क्वेश्चन था, हाउ कैन वेरियस रिसोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। आंसर है, वेरियस सोर्सेज सच एज आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स लिटरली टेक्स्ट ओरल ट्रेडिशंस एंड आर्टिस्टिक वर्ड हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी फिजिकल रिमेन्स लाइक टूल्स पोट्री एंड बिल्डिंग्स। लिटरली सोर्सेज इंक्लूड एंशियंट मनोस्क्रिप्ट एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट ओरल ट्रेडिशंस पासिस डाउन स्टोरीज एंड फोकलोर। क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, लोकेट द फॉलोइंग ऑन अ मैप ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड मैप में आपको लोकेट करना है इंडिया, अफ्रीका, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, इक्वेटर लाइन और ऑस्ट्रेलिया। पहला लोकेट करने को बोला गया है इंडिया, इंडिया यहाँ पर है। दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका ये है। तीसरा 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन यहाँ पर है। नेक्स्ट है इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन जस्ट इंडिया के नीचे से गुजर रही है। और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।